अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है रमज़ान। आज की वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान के बारे में। शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम लिखेंगे वीडियो का टाइटल रमज़ान। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक कमरी महीनों में से नवा महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। हदीस मुबारका है कि रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। और इसी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की तजल्लियात खासा इस कदर इस दर्जा नाजिल होती हैं गोया के मूसलाधार बारिश की तरह बरसती रहती हैं अल्लाह ताला की रहमतें। और हदीस मुबारक में है कि मैं के नुक्ते लगाना मैं यहाँ भूल गई हूँ कि रमज़ान एक ऐसा महीना है
रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है कि जिसके इसके अव्वल हिस्से में हक ताला की रहमत बरसती है, यानी जो पहला जो अशरा होता है उसमें, क्योंकि रमज़ान तीन अशरों पर मुश्तमिल होता है और जिसकी वजह से अनवारो इसरार के ज़ाहिर होने की काबिलियत और इस्ताद पैदा होकर गुनाहों के जुल्मात और मासियत की कजाफतों से निकलना मैसर होता है। यानी कि इस कदर अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाते हैं कि इंसान के जो गुनाह हैं वो भी माफ़ हो जाते हैं अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह ताला की सही तरह से इबादत करे बिल्कुल नेक नियति के साथ कि वाइंदा कोई गुनाह नहीं करेगा। और इसी के साथ ही इसी महीने का जो दरमियानी हिस्सा जो होता है यानी सेकंड अशरा, वो गुनाहों की मगफिरत का सबब है। और जबकि इसका जो आखिरी जो अशरा है यानी इस महीने का आखिरी हिस्सा आखिरी अशरा में अल्लाह ताला जो है वो जहन्नुम की आग से आज़ादी हासिल होती है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच भी कीजिएगा और इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।